हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंह में घुल जाने वाले बेसन लड्डू की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और इसके टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होती है। और वीडियो में आपको बेसन लड्डू को दानेदार बनाने के लिए एक टिप भी बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रखा है और ये मैंने आधा कप घी लिया है। तो आधे कप में से मैं अभी 6 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और आगे जाकर हमें बचे हुए घी में से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और फिर जब घी गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन भी हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करने से बेसन जो होता है वो अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल बारीक बेसन का यूज़ करा है। बेसन बनाने के लिए मैंने पहले चना दाल को अच्छे से भून लिया था और फिर चक्की में से इसे सेपरेट पीस के लाया है। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का बेसन चाहिए होता है। अगर आप पैकेट वाला कच्चा बेसन यूज करेंगे तो वो उतना स्वाद नहीं देता है जितना कि इस तरीके का बेसन देता है। तो इसे हम लगातार चलाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जो कि हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसे भूनने के लिए 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो थोड़ी देर इसे भूनने के बाद मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा। अगर आप ज़रा सा भी फ्लेम को तेज़ करेंगे तो बेसन एकदम से ब्राउन हो जाएगा और वो जलने लगेगा। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और साथ ही में इसका टेक्सचर भी बदल जाता है। तो लगातार इसे चलाते जाइएगा। बेसन लड्डू बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस का काम होता है क्योंकि बेसन भूनने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो अभी आप देख सकते हो कि बेसन में से सारा घी ऊज आउट हो रहा है। तो धीरे धीरे से ये और भी सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल गया है। तो इसे हम और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बेसन का कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लड्डू को दानेदार बनाने के लिए एक टिप शेयर करूँगी। तो इस तरह से जब हम गर्म बेसन पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं तब ये मिक्सचर थोड़ा सा दानेदार बन जाता है। मिक्स करने के बाद हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि बेसन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और अगर आप इसे कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसे हम तुरंत ही एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पैन के नीचे छोड़ देंगे। और जब ये हल्का गुनगुना हो जाए तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आया होगा इसे देखकर। इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें ऐड करने के लिए। तो अब लड्डू को मीठा बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा पाउडर शुगर ऐड कीजिए। तो इसे हम पहले बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन अभी बिल्कुल हल्का गुनगुना है तो इसे ठंडा होने देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसन में गर्माहट बहुत देर तक रहती है। तो गर्म बेसन की वजह से घी भी पिघला हुआ रहेगा और ऐसे में जब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे तो वो लड्डू अच्छे से बंधेंगे नहीं और फिर लड्डू का अच्छा शेप नहीं आएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो अब हम ऐड करेंगे ये 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसका फ्लेवर लड्डू में बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चिरौंजी या फिर चारोई, थोड़े से किशमिश के साथ बारीक कट किए हुए काजू भी ऐड कर देंगे। वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बेसन के जो लड्डू होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है तो आप इसमें ऐड कीजिए, वरना स्किप करें। तो हम इसे अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम एक एक करके इसके लड्डू बनाते जाएंगे। तो एक ही साइज़ के लड्डू बनाएगा, वो दिखने में अच्छे लगते हैं। और जब लड्डू बन जाए तब हम इसे इस तरह से हथेलियों पर रगड़ें। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया शाइन आई है। और गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से काजू का टुकड़ा लगाएंगे। तो इतने मिक्सचर में 10 से 12 लड्डू बनते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये फर्स्ट टाइम बनने के बाद अच्छे परफेक्ट शेप में नहीं है, आप इसे प्लेट में ऐसे ही रख दीजिए और 10 मिनट के बाद फिर से इसे शेप दीजिए। तो
तब ये थोड़े से स्टिफ बन जाते हैं तो अच्छा सा राउंड शेप आता है। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये, बहुत ही यमी होते हैं। तो आप भी मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।